हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस अंकिता सो पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसमें कि इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे गए हों तो आप सभी इस सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक के साथ 100 कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ students, चलता रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड फाइव प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए इससे पहले फ्री वीडियो और मॉक टेस्ट को जरूर देखना जो की आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं कंप्लीट मेरा कोर्स है जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है एग्जाम ओरिएटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हंड्रेड में से एटी प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए सो so, हमारा आज का टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच ठीक है इसको हम लोग इंडक्शन एंड डिडक्शन भी बोलते हैं सो so, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो इंडक्टिव अप्रोच होता है इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं एक क्वेश्चन तो बहुत बार ये एज इट इज़ पूछा जाता है कि इंडक्टिव अप्रोच जो है वो बॉटम अप काम करती है या टॉप डाउन काम करती है सो so, इंडक्टिव में हम बॉटम अप काम करते हैं ठीक है, बॉटम अप का मतलब होता है इंडक्टिव यानी कि अंदर की ओर ठीक so, right? है कि की में हम लोग से किसी जर्नलाइज रिजल्ट ठीक है या फिर जर्नलाइज कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए हर एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि स्पेसिफिक uh, जनरल अगर हम लोग मूव करते हैं तो वो इंडक्टिव है या deductive है? तो स्पेसिफिक टू जनरल हमेशा होता होता है, bottom up approach होता है, एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या करता है इसके ऑपोजिट काम करता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी ठीक है इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से बॉटम अप यानी कि नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे पहला फेज होता है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने बताया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम शुरू करते हैं ठीक है एंड थ्योरी की तरफ मूव करते हैं सो so, सबसे पहले स्टेप में आता है ऑब्जर्वेशन उसके बाद आता है पैटर्न देन टेंटेटिव हाइपोथीसिस टेंटेटिव हाइपोथीसिस एंड देन थ्योरी बिल्डिंग ठीक है सो ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है जैसे कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट होती है उसका डिले हो जाता है ठीक है एक बेसिक सा नॉलेज है इसका मेन रीजन क्या है वो हमें नहीं पता हमने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताई ठीक है पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज की पीडीएफ भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहां पर डिस्कस करती रहूंगी अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये होती है कि एलिफेंट्स जो है वो जिंदा रहने के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से तो ये हमारी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है इसके बाद हम क्या करेंगे पैटर्न की बात करेंगे यानी कि हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है जैसे कि मैंने एलिफेंट्स वाला आप लोगों को बताया कि एलिफेंट्स जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि इसके पैटर्न को हमने अगर ध्यान में रखा तो इसमें ये हमने बोला कि जितने भी एनिम, एनिमल्स होते हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे ह्यूमन हैं एनि, एनिमल्स हैं ये सभी वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं अब हम ह्यूमन्स हैं हम लोगों को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो हम लोगों को भी डिफ़िकल्टीज होगी बहुत सारी चीज़ों में ठीक है तो ये आता है बेसिक ऑब्जर्वेशन से हमने थोड़े से हायर लेवल के पैटर्न को समझने की कोशिश की ठीक है नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना ठीक है सो इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल लाइफ होती है इसमें हम लोगों ने hypothesis ये लगाया कि जो भी बायोलॉजिकल लाइफ होती है वो सभी वाटर पे डिपेंडेंट होती है ठीक है जैसे कि हमने एयरलाइंस की बात की थी तो जितने भी लो कॉस्ट एयरलाइंस होते हैं उसकी टिकट हम लोग बोलते हैं कि वो डिले होते रहते हैं तो यहाँ पे ये यह बोलेंगे कि लो कॉस्ट है तो कही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी पूरी फैसिलिटीज़ तो वो नहीं देंगे ठीक है सस्ती चीज़ का ये बोला जाता ना कि जनरली सस्ती चीज़ लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी वही चीज़ें हाइपोथिस स्टेज में आती है ठीक है सो नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी है कोई ना कोई रीजंस है इसी वजह से इन सब चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहां तक लेकर आए हैं ठीक है सो आई होप इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी इसके साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडक्टिव रीजनिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज मोर ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी एस्पेश एट द बिगनिंग ठीक है सो जो बिगनिंग में होता है ये जो पहला स्टेज होता है इस रीजनिंग का इस रिसर्च के टाइप का ठीक है ये बहुत ओपन एंडेड होता है एंड ये एक्सप्लोरेटरी होता है यानी कि इसी स्टेज पे हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कोई नई 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 चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं ठीक है सो इंडक्टिव रीजनिंग के मैंने आप लोगों को यूज़ बता दिए अब इसके साथ ही अब देखते हैं कि इसके लिमिटेशन्स uh, क्या है सो कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडक्टिव मेथड कैन नेवर बी प्रूवन बट इट कैन बी इनवेलिडेटेड ठीक है इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं इस तरह की जो भी थ्योरीज होती हैं उनका कोई फाइनल कंक्लूजन कभी भी नहीं आता ठीक है लेकिन इस पर हम लोग इसको इनवैलिड प्रूव कर सकते हैं ठीक है आप लोग बस इतना याद रखिए रख लीजिए कि एग्जाम्पल अगर कभी एग्जाम में दिया होगा कि जहाँ पे हमने पूरा ऑब्जर्वेशन किया हाइपोथेसिस ले लिए लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमारा एक प्रॉपर नहीं था जिस चीज़ की हम डिमांड करते थे तो वो कौन सा अप्रोच होगा तो वो इंडक्टिव अप्रोच होता है ठीक है so, सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो so दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है तो so, यहाँ पे बोला गया है द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन सीकिंग न्यू नॉलेज वो कौन सी रीजनिंग है जहाँ से हम लोग नए नॉलेज को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं सीख करने की कोशिश करते हैं ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड यानी कि हमारे पास वर्ल्ड का कोई कोई भी टॉपिक ले लो पूरे वर्ल्ड में इतने सारी चीज़ें हैं कोई भी टॉपिक ले लो उसके थोड़े बहुत फैक्ट्स हमें पता है ठीक है उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत लिटिल नॉलेज हम लोगों को है ठीक है उस लिटिल नॉलेज को हम लोगों ने एनहांस करना है उस चीज़ पे और नॉलेज हम लोग लेना चाहते हैं तो कौन सी रीजनिंग यूज़ होती है डेमोन्स्ट्रेटिव डिडक्टिव इंडक्टिव या फिर नन ऑफ दी अप तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि हम लोग बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं एंड ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने तक पहुंच जाते हैं वो होता है इंडक्टिव ठीक है इसको आप लोग याद रखिए बॉटम अप यानी कि हम लोग पहले बिल्कुल लोअर लेवल पे थे बिल्कुल कम नॉलेज था हम लोगों को बॉटम से हम आप में पहुंच गए यानी कि अब हमारा नॉलेज क्या है वो एनहांस हो गया है चीजों का ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को हो गया है ठीक है so, सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग ठीक है सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ करते हैं राइट right? बॉटम अप्रोच बॉटम अप अप्रोच होता है ये बिकॉज इट इन्वॉल्व वाइडनिंग स्पेसिफिक आउट इन टू बॉर्डर जर्नलाइजेशन टू कम अप विथ न्यू थियोरी एंड नॉलेज ठीक है सो इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग को यूज किया जाता है नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग ये क्या है ये टॉप डाउन अप्रोच होता है यानी कि हम पहले हायर लेवल पे थे वहाँ से हम नीचे की ओर मूव करते हैं इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बताती हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है जो कि डिफरेंस भी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के बीच में ठीक है वो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है इसमें हम लोग डेवलप करते हैं थ्योरी को इंडक्टिव के केस में हम लोग थ्योरी को डेवलप करते हैं ठीक है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी वाइल्ड डिडक्टिव रीजनिंग एम्स एट टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग थ्योरी Deductive में क्या करते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी को ठीक है यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है पूरा कंक्लूजन है हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये थ्योरी फाइनल है या नहीं है हम लोग यहाँ से कंफर्मेशन तक जाते हैं राइट right? तो सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं थ्योरी है हमारे पास तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था कि जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ्स होती हैं वो वाटर पे डिपेंडेंट करती है इस चीज़ का फुल प्रूफ है हमारे पास ये आता है थ्योरी के अंदर ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं तो इसमें हमने क्या किया इसमें हमने बोला कि जितने भी अर्थ पे रहने वाले मैमल्स होते हैं ठीक है उन सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद आते हैं हम ऑब्ज़र्वेशन में ऑब्जर्वेशन को एनालिसिस स्टेज भी बोला जाता है इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं या टेस्ट करते हैं डेटा को ठीक है तो इसमें हमने क्या बोला कि जितने भी चीज़ें होती हैं अगेन वही बात है कि वो सभी वाटर पे डिपेंडेंट होती है अब इसकी कन्फर्मेशन हम कैसे करेंगे इसकी कन्फर्मेशन हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस थे जितनी भी हमारी थ्योरीज थी अगर वो सभी चीज़ें ट्रू होती हैं ये सभी चीजें अगर ट्रू होती हैं तो हमारा कंक्लूजन जो है वो ऑलवेज ट्रू होगा ठीक है सो डिडक्टिव में आपने ये याद रखना है कि अगर ऊपर की सभी स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तो कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होगा ही होगा ठीक okay? है so, इसमें हम लोग जनरल से मोर स्पेसिफिक की तरफ को मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं राइट right? सो so, इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिडक्टिव रीजनिंग इज मोर नैरो इन नेचर एंड कंसर्न विद टेस्टिंग एंड कन्फर्मिंग द हाइपोथेसिस यानी कि जो भी हमने गेस की थी चीज़ें जो भी अनुमान हमने लगाए थे उन चीज़ों को कंफर्म करने पे हमारा मेजर फोकस होता है डिडक्टिव रीजनिंग में तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई अनुमान लगाया है किसी के एक पर्टिकुलर चीज पे हम लोग कुछ गेस करते हैं एंड हम चाहते हैं कि अपने इस गेस को हम लोग कन्फर्म करें कि क्या हमारा गेस सही था या गलत था तो हम कौन सी अप्रोच को यूज करेंगे तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं डिडक्टिव अप्रोच को राइट सो आई होप यहाँ पे आप लोगों का इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिडक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैक्सिम ऑफ डिडक्टिव मेथड सो यहाँ पे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होने कि मैक्सिम का क्या मतलब है आप लोगों ने डायरेक्टली क्या करना है डायरेक्टली आप लोगों ने ऑप्शंस पर मूव करना है सो so ऑप्शंस में आप लोग देख कर ही बता सकते हो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमें मूव करना है दैट मीन्स डिडक्टिव की तरफ हमें जाना है ठीक है so, सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ ऑब्जर्वेशन जर्नलाइजेशन एंड एन थियरी इन केस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग सो डिडक्टिव हमने नीचे लिखा है यानी कि हम नीचे की तरफ को मूव करते हैं थियरी प्रिडिक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताती हूँ डिडक्टिव यानी कि हम क्या कर रहे हैं किसी चीज़ को डिडक्ट कर रहे हैं डिडक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं किसी चीज़ को हम कम कर रहे हैं ठीक है सो डिडक्टिव में प्रॉपर हमारे पास रिजल्ट है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आया कैसे तो प्रॉपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव कम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे सो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगी समझ आ चुकी होगी एग्जाम में आप लोग इसी तरह से चीज़ें कर सकते हो ठीक है सो so, ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि थ्योरी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो पर ही मिलेगा अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप लोग इसका आंसर मुझे इजीली दे सकते हो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है या कोई भी टॉपिक में इश्यूज़ हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो सो so, ये क्वेश्चन है वट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड

ठीक है ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है किसी भी नए कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए अब टीचर सेंटर्ड मेथड का मतलब होता है कि एक टीचर पे फोकस रहेगा टीचर क्या पढ़ाना चाहता है वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा क्या मन है उनका किस मेथड से वो पढ़ाना चाहते हैं वो एम सी क्यूज के थ्रू या वो थियरी के थ्रू किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं ये सब चीज़ें टीचर पे डिपेंडेंट करती है स्टूडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता ठीक है सो डिडक्टिव मेथड हमेशा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है सो so, यहाँ पे आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो फीस मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही कम है दैट इज़ फाइव डबल नाइन एंड इसके साथ ही हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग विद इन अ मंथ और टू आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो ठीक है so, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट